నిన్న మన పద్మశాలి సమాజం యొక్క మీటింగ్ మన రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ గారి నివాస స్థానంలో పద్మశాలి బాంధవులందరినీ మహారాష్ట్ర నుండి పిలవడం జరిగింది. అందులో ప్రతి ప్రాంతం నుండి వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యల గురించి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ గారికి నివేదన ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఎత్తున మన భివండి టొరెంట్ సమస్య ఉండని, మన సమాజ భవన్ ఉండని, విద్యార్థుల ఎస్బిసి కాస్ట్ వ్యాలిడిటీ గురించి ఉండని ఇలాంటి సమస్యలు కూడా మనం అక్కడ అతనికి అడగడం జరిగింది. అతను దానిలో పెద్దగా స్పందించి అదేవిధంగా సోలాపూర్, నాందేడ్, జాల్నా ఈ ప్రాంతంలో కూడా అక్కడక్కడి సమస్యల గురించి అడగడం జరిగింది. మన టెక్స్టైల్ ఎట్లా టెక్స్టైల్ వృత్తికి మనకు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎలాగా మనకు సహకరించాలన్న ఉద్దేశాల చూత అక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మహిళలకు కొత్త ఉద్యోగం గురించి ఏమన్నా సౌలత్లు ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా ఒకటి దీని గురించి ఇది మన ఒకటి మహామండలి తయారు చేసి మహామండలి ద్వారా వెన్కర్ మహామండలి తయారు చేసి దాని నుండి 15 లక్షల వరకు ప్రతి వ్యక్తికి విదౌట్ ఇంట్రెస్ట్తోని లోన్ ఇవ్వాలన్న ఒక మంచి ఉద్దేశం కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వారు చెప్పారు. ఎన్నో సమస్యలు మనను మనయ్య అతను విన్నారు. ఫస్ట్ టైం మహారాష్ట్రలో ఇలా జరిగింది. కూర్చున్న సర్కార్ మనను పిలిచి మన సమస్యలు తెలుసుకొని మనం ఆ సమస్యలను సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం సమాజ మన దేవేంద్ర ఫడణవీస్ చేసినందుకు పద్మశాలి సమాజం తరఫున అతనికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకని జరగబోతుంది ఇది? ఎప్పుడైనా కానీ దేవేంద్ర ఫడణవీస్ వచ్చి ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అతను ఏకనాథ్ షిందే దేవేంద్ర సర్కార్లో ఎన్నో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కానీ సమాజమే ఎన్నోసార్లు అతనికి నివేదనను వేదికి మా సమాజాన్ని పెంచి మీరు మా సమస్యలు తెలుసుకోండి, అదే స్టంట్ మీద అతను आणि तुम्ही दिलेले जी निवेदन आहेत त्या निवेदनांवर माझं कार्यालय हे तात्काळ कारवाईला सुरुवात करतं. छोट्या गोष्टी ज्या असतील त्या लगेच होतात. काही धोरणात्मक गोष्टी असतात त्याला वेळ लागतो, पण किमान एकदा सुरुवात झाली तर सरकारमध्ये गोगलगाईच्या पायीनेच तशा फायली चालत असतात. पण एकदा चालायला सुरुवात झाली तर मग धक्का देखील देता येतो आणि वेगाने देखील अनेक निर्णय हे या ठिकाणी करता येतात. पद्मशाली समाज हा महाराष्ट्रामध्ये जसं ताईंनी सांगितलं की आता कोणीच परप्रांतीय राहिलं नाही, तिसरी पिढी, चौथी पिढी, कोणाची पाचवी पण पिढी या ठिकाणी आता झालेली आहे. आणि म्हणजे जशी ओरिजिनल भाषा तेलुगू होती तशी आता ओरिजिनल भाषा मराठी देखील झालेली आहे. अनेक वेळा अनेक लोक आमच्यापेक्षा चांगलं अस्खलित मराठी बोलतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की हा समाज तर आमचाच समाज आहे. आणि निश्चितपणे एक गेल्या 50-60 वर्षाच्या संक्रमणातनं समाजामध्ये अनेक बदलही आले आहेत, अनेक स्थित्यंतरही आली आहेत. जसं मगाशी सांगितलं की मूळ विणकर असलेला समाज, मूळ कापड तयार करणारा समाज, मूळ एक प्रकारे ज्यांच्याकडे हस्तकला होती, ज्यांच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी कला होती असा हा समाज आहे. पण दुर्दैवाने वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्थित्यंतरातनं बिडी कामगाराचं काम असेल किंवा इतर सगळ्या व्यवसायामध्ये देखील आपली लोकं त्या ठिकाणी गेली. कारण मध्यंतरीचा साधारणपणे 90-चा काळ असा होता, 80 ते 90 की ज्या काळामध्ये कापड उद्योगावर खूप मोठं संकट आलं आणि त्यातनं जो महाराष्ट्रातला भरभरेटीचा उद्योग होता तो उद्योग हळूहळू कुठेतरी कमी होत गेला आणि त्याचे चटके देखील समाजाला सहन करावे लागले. आज समाजातली नवीन पिढी विविध व्यवसायांकडे देखील त्या ठिकाणी वळलेली आहे, हे देखील आपल्या सर्वांना त्याची कल्पना आहे. पण आज जे विषय आपण प्रामुख्यानं मांडले आहेत, मी थोडा उशिरा पोचलो पण माझ्यासमोर जे विषय या ठिकाणी आले, एक तर जातीचा दाखल्याच्या संदर्भातला विषय आपण या ठिकाणी मांडलेला आहे, तो सुलभतेनं मिळाला पाहिजे. आम्ही आता खरं म्हणजे हा केवळ आपलाच नाही तर ओबीसी समाजातल्या जवळपास सगळ्या मायक्रो ओबीसी समाजांनी आमच्यापर्यंत हा विषय पोचवला आहे की जातीच्या दाखल्याकरता आम्हाला फार त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे आम्ही आता एक त्याची पद्धत सोपी कशी असू शकते, आपल्याला त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे सुलभतेनं चक्रा न मारता आपल्याला हे दाखले कसे मिळता येतील त्या संदर्भात आम्ही त्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे.
काही अमेंडमेंट्स केले आहेत, पण अजूनही काही करण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्यात काही अभ्यास देखील आमचा चाललेला आहे. आम्ही सचिवांना देखील एक काम दिलेलं आहे की त्यांच्या माध्यमातून हे दाखले आपल्याला कशा प्रकारे मिळवून देता येतील. एक नॉन क्रिमी लेअरची मर्यादा वाढवण्याचा विषय जो आहे तो राज्यासमोर आहे. आमच्यासमोर आता त्या संदर्भात आम्ही, कारण आपल्याला कल्पना असेल तर महाराष्ट्रामध्ये आपल्याच सरकारने 8 लाखाची मर्यादा केली, नाहीतर ती मर्यादा म्हणजे फारच कमी होती. 3 लाखाची मर्यादा होती, मग ती 8 लाखाची आपणच त्या ठिकाणी केली. आणि आता हेही खरं आहे की 7व्या वेतन आपल्या या नवीन वेतन आयोगानंतर आपल्याला आता ही मर्यादा काही प्रमाणात वाढवण्याची आवश्यकता आहे. मला विश्वास आहे की लवकरच हा निर्णय आम्ही निश्चितपणे घेणार आहोत. त्याच्या संदर्भात ती किती करायची त्या संदर्भातली आमची, कारण शेवटी आपल्याला केंद्र सरकारशी देखील थोडं, राज्याचा अधिकार आहे पण आपण केंद्र सरकारची भर सल्लामसलत करतो, कारण केंद्राची वेगळी आणि आपली वेगळी राहिली तर मग ॲडमिशन्सच्या वेळी केंद्रीय कोट्यातल्या ॲडमिशनमध्ये काही अडचणी तयार होतात, आणि म्हणून त्यांच्याशी देखील सल्लामसलत जी आहे ती आपली चाललेली आहे. एक चांगला विषय आपण मांडला की काही उत्पादनं आमच्याकरता राखीव ठेवावी. आपल्याला कल्पना असेल मागच्या काळामध्ये आपण विशेषतः सोलापूरमधले आपले जे विणकर समाजाचे लोक आहेत त्यांच्याकरता ड्रेसेसच्या संदर्भात काही राखीव अशा प्रकारचा कोटा राज्य सरकारमध्ये ठेवला होता. पुढे देखील आपण जी सूचना केलेली आहे त्याप्रमाणे जे हे काम करताहेत त्यांना कशा प्रकारे आपल्याला काही कोटा राखीव ठेवून त्यांचं रोजगार नीट चालला पाहिजे या संदर्भात जो काही निर्णय घेणं गरजेचं आहे तो निश्चितपणे आपण या ठिकाणी घेऊ. एक अजून मुद्दा आपण मांडला की SBCच्या संदर्भात जे काही लॉग इन आपण करतो आणि मग ते डिफॉल्ट लॉग इन हे जी काही आपली CET सेल आहे, तर माझी विनंती असेल की या संदर्भात एक स्वतंत्र निवेदन जर आपण दिलं तर, किंवा या निवेदनांमध्ये जर ते असेल तर मी लगेच त्याच्या संदर्भात CET सेलशी चर्चा करून आपण सांगितलं. खरं म्हणजे अतिशय टेक्निकल आहे, एवढ्याच्या छोट्याशा गोष्टीकरता आपल्या मुलांना वंचित राहावं लागणं हे काही फार योग्य असं मला वाटत नाही. एक अजून आपण सांगितलं की जे मार्कंडेय सहकारी रुग्णालय आहे याला आपल्याला महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा Grade A मिळाला पाहिजे, तर जरूर त्याचं जर आपण अर्ज केला असेल मला कॉपी आपण पाठवावी. त्या संदर्भात निश्चितपणे मी स्वतः प्रयत्न करून आपण ते करू. एक टोरेंट पॉवरचा मुद्दा आपण या ठिकाणी मांडलेला आहे, आणि मला असं वाटतं परमनंट डिस्कनेक्टेड जे आहेत त्यांच्या संदर्भातला हा मुद्दा आहे, तर निश्चितपणे मी स्वतः राज्य सरकारच्या वतीनं टोरेंट पॉवरला सांगून पिढी करता परमनंट डिस्कनेक्शन करता आपण योजना तयार करून घेऊ. आणि त्यांचंही, कारण आता राज्य सरकारच्या आपलं जे महावितरण आहे त्यांनी पिढी करता योजना तयार केलेली आहे, तशीच योजना आपण टोरेंट पॉवरला देखील तयार करायला सांगू MERCच्या माध्यमातून, जेणेकरून हा जो काही भिवंडीला विशेषतः आमच्या यंत्रमागवाल्या सगळ्या जे आमचे कामगार आहेत त्यांना जो काही प्रॉब्लेम या ठिकाणी येतो आहे तो प्रॉब्लेम दूर करण्याचा प्रयत्न आपण करू. मगाशी शेवटचा जो मुद्दा आपल्यासमोर आला होता तो देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे की आम्ही आता हा निर्णय केला की जे विणकर आहेत त्या विणकरांकरता एक आर्थिक विकास महामंडळ तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. या महामंडळातून अपेक्षा अशी आहे की विणकर समाजातली आमची जी मुलं आहेत त्या मुलांना पारंपरिक व्यवसाय असेल किंवा इतरही कुठला व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना अतिशय कमी दरामध्ये त्या ठिकाणी लोन मिळालं पाहिजे. सागर मुंबई सागर बंगले पे डिप्युटी CM देवेंद्र फडणवीस के बंगले पे पद्मेश्वर समाज के पूरे स्टेट लेवल के लोगों को बुलाया गया और जिस जो समस्या समाज के आप लोगों को जो समस्या है उसके बारे में और पूरा और एक कम्प्लीटली सबके साथ में बैठ के सुना है. वैसे ही मुख्यतः भिवंडी में टोरेंटिंग पावर के बारे में राजू गाजेगी जी ने जो मुद्दा रखा था उसके बारे में सहानुभूतिपूर्वक टोरेंटिंग बारे में जो पिछले बहुत दिनों से जो पीढ़ी की ओर मीटर है तो पीढ़ी की ओर मीटर को उस टाइम पे सहूलत दिया गया है कि 10% ब्याज और 100% जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भर के उसको क्लियर किया जाए. वैसे ही मगर जो रनिंग के कारखाने हैं उसमें टोरेंट के मीटर्स है उस पर भी तक बाकी MSEB का है मगर उसके ऊपर कोई सहूलत दे दिया गया है उसके बारे में राजू जी ने जो मुद्दा रखा था तो वैसे ही जो जिस टाइम से अपने परमानेंट कनेक्शन वालों को जो PD किया है उसी तरह जो पावर लूम जो मालिक अभी भी मीटर्स को वापर रहे उसके ऊपर वो सहूलत दे दिया गया है उसके बारे में जरूर सोचिए क्योंकि आज भिवंडी में
जो पावर मिनिस्ट्री पूरी बद हालत में है, यहाँ के लोगों का अपना रोजगार बंद हो रहा है, उसके लिए उसके सानिभूत पूर्व उसके पूरा उसका विचार करने के हमारे आश्वासन दिया है। एसबीसी के बारे में जो हमारे बुजुर्ग लोग, जैसे हमारे सुलकुंटी जो पद्मसा समाज के आलू के अध्यक्ष है और तमाम लोग सेवा राम जैसे लोगों ने उनका पूरा मुद्दा रखा था, खासकर डुंटोक जी ने जो उनको और अशोक गिंदापुरी जी ने रखा था, वो पूरे सुनने के बाद उसने बोले अभी जो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे जरूर हम उसका हाई लेवल कमेटी पर बात करके उसका पूरा पूरा आपको आश्वासन दिया जाए करके उसके आश्वासन दिया। हमने जो भिवंडी में अपने अखिल प्रदेश समाज की तरफ से अपने लेटर पेड के ऊपर हमने पूरे भिवंडी में तेलुगु भवन के लिए और लोगों को जो अभी टोरडी पावर के बारे में और बाकी जो भी हमारे भिवंडी की समस्या है उसके पूरे तरीके से हमने उसके उल्लेख किया गया है। इस बैठक में कौन से जिले से कितने लोग आए थे? इस बैठक में पूरे महाराष्ट्र लेवल में जैसे इचलकरंजी हो, सोलापुर हो, नांदेड़ हो और भीड़ हो और कई मतलब टोटल ये लोग आए। उस मीटिंग में खास करके और देवर के साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री लाडले उनके साथ में हमारे ओबीसी लेवल के जो स्टेट लेवल के नहीं ऑल इंडिया लेवल के लक्ष्मण जी और ये लोग साथ में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी भी है, वो तीनों के साथ में इसमें मीटिंग में हमारे शिरकत किए गए। आपको जो निवेदन उस मीटिंग में मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि कभी ऐसा मौका मिला नहीं जैसे हमने 100 लोगों के मेंबर के अंदर बैठ के और उसने पूरे कंप्लीट टाइम लेके हमें बोला कि तुम्हारी जो समस्या है हम लोग है पूरा हमने उसका लिख लिया है और हमारे स्टाफ को वो हमारे पीएल लोगों को हमने इसका पूरा उसका आपके लोगों का जो समस्या है पूरा किया जाकर के हम पूरे उसके बारे में आश्वासन दिया गया है।